हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तजनों को मेरे तरफ से दंडवत प्रणाम। आज हम कथा श्रवण करेंगे कि भक्ति में आडंबर की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं कि भगवान की भक्ति में आडंबर की आवश्यकता नहीं है। बाहरी दिखावा तो वहाँ होता है जहाँ भीतर की अपेक्षा बाहर करने की अपेक्षा दिखाने का महत्व अधिक समझा जाता है। भक्ति तो भीतर की वस्तु है, करने की चीज है, इसमें दिखावा कैसा। बस चुपचाप मन को चलने जाने दो, मन को चले जाने दो भगवान श्री हरि के श्री चरणों में और मस्त हो रहो। जब तुम्हारे पास मन ही अपना न होगा तब दूसरी बात सोचोगे कैसे। दिन रात आलिंगन करते रहो अपने प्रियतम का। भीतर के बंद कमरे में जो अंतर हृदय में बैठे हैं श्री हरि, और बाहर को भूल जाओ। वस्तुतः ऐसी अवस्था इसी मस्ती की मौज में बाहर की याद आती ही कैसे है। याद रखना, किसी दूसरे के काम के लिए भगवान से प्रेम करना सच्चा प्रेम नहीं है, वह तो असल में प्रेम का तिरस्कार है। प्रेम चाह नहीं होती फिर प्रेम क्यों करते हो। इसलिए किए बिना रहा नहीं जाता। मन को न जाने दो उधर, जाने देने की कौन सी बात। मन इधर तो आता नहीं, एक क्षण के लिए भी तो वहां से हटना नहीं चाहता। उसे न कोई चाह है न परवाह है, वह तो मतवाला हो गया है। यह है भगवत प्रेम और इसी की साधना करो। जब सच्चे प्रेम को स्रोत हृदय में बह निकलेगा तब क्षण में अनंत काल की सारी कालिमा धुल जाएगी। फिर स्मरण कीर्तन ध्यान और तन्मयता अपने आप ही होने लगेंगे। रोमांच अश्रुपात आदि सात्विक भावों का उदय और अभ्युदय स्वाभाविक ही होता रहेगा। ऐसा ही भक्त भुवन को पावन करने वाला होता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। सच्चा सौंदर्य वही है जहाँ भगवान का प्रेम छलक रहा है। भगवत प्रेम को छोड़कर जो कुछ भी है वह तो सदा ही भयानक और विभत्स है। मन जब विषयाशक्ति से रहित होकर सारी असत भावनाओं से मुक्त हो जाता है तब उसमें भगवत प्रेम की प्रतिष्ठा होती बढ़ती जाती है। इस प्रेम से जिस स्वरूप का प्रकाश होता है वस्तुतः वही अर्थार्थ सुंदर है। याद रखना भक्तों, इस प्रेम की साधना के लिए आवश्यकता है निष्कपट प्रेम कामना की। बस उनका प्रेम ही चाहो, प्रेम से ही प्रेम चाहो और प्रेम ही चाहो। दिल खोल कर सरलता से उन्हें पुकारो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, हे हरि मुझे अपने श्री चरणों में ले लो। निष्कपट भाव से प्रेम कामना से ही मिलता है। मन को टटोल टटोल कर देखते रहो, उसमें कोई दूसरी कामना छिपी तो नहीं है। याद रखना मेरे भक्तों, तुम जिसको चाहते हो, जिसको अपनाना चाहते हो, जिसे बनाना चाहते हो, उसके अनुकूल तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। तुम भगवान को और उनके प्रेम को चाहोगे तो तुम्हारा पहला कर्तव्य होगा तन मन से उनके अनुकूल चलना। साथ ही तुम्हें अपने बाहर भीतर के आचरण से यह भी सिद्ध कर देना होगा कि तुम उनके सामने भोग मोक्ष सभी कामों को तुच्छ समझते हो। इसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता है, नहीं तो विशुद्ध प्रेम कामना का उदय ही नहीं होगा। हरे कृष्णा। तो हम इन कथाओं से ये समझ सकते हैं, सार बात ये है कि इन कथाओं से हम ये समझ सकते हैं कि हमको दिखावे की भक्ति नहीं करनी है। हमारे अंदर में हृदय में भगवान श्री हरि और श्री हरि के श्री चरण विराजमान है और हम आनंद पूर्वक भगवान श्री हरि के श्री चरणों की भक्ति कर रहे हैं। अपने में मग्न रहो, भौतिक दुनिया में उन्हें लगना चाहिए कि आप भौतिक दुनिया सांसारिक जीवन में बहुत व्यस्त हो, पर अंतर हृदय तो भगवान श्री हरि के प्रेम में छका रहेगा। ऐसा प्रेम भक्ति करिए ताकि हमारा ये जन्म जो 84 लाख योनियों के चक्कर से बच जाएगा और हम भगवान श्री हरि के श्री चरणों में डूबकर उनके धाम को प्रवेश करेंगे और भगवान हमें बड़े आसानी से बुला लेंगे, क्योंकि ये 84 लाख योनियों का चक्कर जो है
अति कष्टदायक है। हम चाहे मनुष्य योनि में किसी माँ के गर्भ में जन्म लें या किसी पशु के जन्म लें, पीड़ा सब में बराबर ही होता है। इसलिए हम सबको यही प्रयास करना चाहिए कि हमें इन सब से चक्करों से बचकर इस द्वेष भावना के जो हमारे अंदर कलुषित भावना है उन सब से दूर होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के श्री हरि के चरणों में डूबना है। और इसका एकमात्र साधन यही है कि हम निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करें और निरंतर भगवान की कथाओं को गान करें और भगवान श्री हरि के नाम का जप करें जो 16 अक्षरों का नाम है। और सबको पतित पावन भगवान हम सब पतितों का उद्धार करेंगे इन नामों से। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको इन कथाओं से कैसा लगा, क्या लाभ मिला, हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।